अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुजरात मिली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम एकता नया सवेरा संगठन आज फिर आप लोगों के साथ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज का मुद्दा यह है कि आज पूरे देश के अंदर कार चालक और मोटरसाइकिल चालकों के लिए दहशत बने हुई है। केंद्र सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया है जिसमें मोटरसाइकिल चालकों और कार चालकों के लिए भारी जुर्माना रखा गया है, जिसकी वजह से देश में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरा एक कहना है सरकार से कि यदि आप देश की जनता की खुशहाली के लिए काम करना चाहते हो, यदि देश को बर्बाद करना चाहते हो, केंद्र सरकार कानून बना नहीं रही, बल्कि केंद्र सरकार देश की जनता पे कानून को थोप रही है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ऐसी सरकार की नीतियां होनी चाहिए जिससे देश की आम आवाम को फायदा हो, लेकिन इस सरकार की जितनी भी नियम लागू हो रहे हैं उससे देश की जनता को नुकसान ही नुकसान हो, ना कि फायदा। मैं केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करता हूं और मेरी समझ में एक उपाय आता है, खासकर मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग, मेरे नौजवान साथी देश के, जो कि हमारे भारत के मुस्तकबिल है। मैं अपने भारत के नौजवान भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि एक महीने के लिए मोटरसाइकिलें घरों में खड़ी कर दो, चलाओ ही मत, ना तेल जलेगा, और जब तेल नहीं जलेगा तो तेल की बिक्री नहीं होगी, तब सरकार को अंदाजा लगेगा आखिरकार नुकसान किस चीज को कहा जाता है। आम जनता को नुकसान देने पर जो सरकार लग रही है, किसी से 2,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, किसी से 25,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, किसी से 5,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, उनकी जेबें खाली की जा रही है, तो मैं भारत के नौजवान भाइयों से गुजारिश करूं कि मोटरसाइकिल चलानी एक महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दो, तेल डलवाना बिल्कुल बंद कर दो, पेट्रोल, फिर पता चलेगा कि यदि भारत के अंदर इतनी मोटरसाइकिल रोज चलती है और इस कदर का तेल की बिक्री होती है कि कई सौ करोड़ रुपए रोजाना की इनकम है सरकार की, एक महीना जो है मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी कर दो, फिर अंदाजा होगा सरकार को कि लोगों की जेब से जो उनकी मेहनत का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा तुम ले रहे हो, वसूल रहे हो जुर्माने के नाम पर, चालान के नाम पर, ये कहां से आता है, उसका नुकसान जो है जब ये पैसा लिया जाता है तो एक गरीब आदमी को उस पैसा देने के लिए कहां कहां से अपना इंतजाम करना पड़ता है। हो सकता है उसके पास पैसा ना हो, मोटरसाइकिल किसी काम से मांग के लाया हो, मतलब ये तमाम चीजें गवर्नमेंट का इस पर कोई ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट केवल अपने कानून बनाने पर लगी हुई है और देश की जनता पर थोपने पर लगी हुई है। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि सरकार के हाथ में ताकत आप और हम देते हैं, हमारे वोट की ताकत है, ये लोकतंत्रता का देश है, यहां जमहूरियत है, यहां के राजा के कलम में ताकत तो है लेकिन उससे कई गुना अधिक ताकत आवाम में है, ये चाहे तो देश का तख्ता पलट कर दे। मेरे दोस्तों, इस परेशानी से अगर निजात चाहनी है तो मेरा तो एक ही आप लोगों से सुझाव है कि मोटरसाइकिल जरा एक महीने के लिए घर खड़ी कर कर देखो, फिर परिणाम क्या होगा आप खुद देख लेना। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।